तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन, मीडियन और मोड क्या करते हैं, हमें डेटा के सेंटर के बारे में बताते हैं। यानी कि हमारे पे कोई डेटा है, हम उसका सेंटर जानना चाहते हैं, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, मीन, मीडियन और मोड। जैसे कि हम ये दो पॉइंट लेते हैं, ये आपका दो पॉइंट है, तो इनका सेंटर क्या है, ये एक्स। तो ये डेटा क्या है, थोड़े आसपास है। इसी तरीके से हम दूसरा डेटा देखते हैं, वो थोड़े से दूर है और उनका भी एक्स है। तो ये बताता है कि जो हमारा डेटा है उसकी, जो हमने अभी तक सीखा है मीन, मीडियन, मोड, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन यानी कि डेटा अगर आसपास है तो भी सेंटर आप इसका एक्स आ रहा है, और अगर डेटा दूर है तो भी इसका सेंटर एक्स आ रहा है। अब इसी को हम एक डेटा सेट से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक डेटा सेट वन है जिसमें हमारी वैल्यू है 29 और 31। दूसरे डेटा सेट में हमारी वैल्यू थोड़ी सी स्कैटर्ड है 20 और 40। और तीसरे डेटा सेट पर हमारी वैल्यू है 0 to 60। तो अगर हम इसका सेंटर देखते हैं डेटा का, तो सेंटर इनका क्या आता है आपका 30 30 30 ईच केस में। तो इस समय ये पता चलता है कि जो हमारा मीन, मोड, मीडियन है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। ये हमें सिर्फ सेंटर ऑफ डेटा बता रहा है, लेकिन अगर हम उसका जानना चाहते हैं कि डेटा स्कैटर्ड कितना है, तो इस केस के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आपका रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्या बताएगा, आपकी डेटा की कितना ज्यादा एक डेटा पॉइंट दूसरे डेटा पॉइंट से कितनी दूर है, तो उसको जानने के लिए हम इसको पढ़ेंगे। तो अब दोस्तों हम समझने जा रहे हैं आपका रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे पास ये दो डेटा सेट हैं, जो कि आपके दोनों आपस में से काफी डिफरेंस है एक दूसरे से, लेकिन दोनों का मीडियन और आपका एवरेज सेम ही आता है, मीन और मीडियन दोनों का सेम ही है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारे डेटा सेट स्मॉल है, लेकिन अगर डेटा बहुत इनॉर्मस होता, बहुत बड़ा होता, तो क्या करते हैं? तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता, उसके लिए एक वेरिएंस का यूज करना पड़ता। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते, इसमें से रेंज निकालते। अब रेंज क्या होता है, बेसिकली लार्जेस्ट डेटा पॉइंट माइनस स्मॉलेस्ट डेटा पॉइंट। यानी कि जो हमारे डेटा सेट थे, इनमें से हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डेटा पॉइंट को माइनस करेंगे तो हम रेंज निकाल पाएंगे। और वो किस तरीके से करेंगे, हम इस तरीके से, यानी कि रेंज 95 माइनस 45 इज 50 एंड 150 माइनस 0 इज 150। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए, जो रेंज आई दोनों डेटा सेट की, वो डिफरेंस आ रही है इसमें। तो अब फ्रेंड्स हम समझने जा रहे हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये बेसिकली जो हमारा सेंटर ऑफ डेटा है, मीन ऑफ डेटा है, उससे आपका जो डेटा पॉइंट्स है वो कितने स्कैटर्ड है, उसकी एवरेज से, यानी कि एवरेज के स्क्वायर रूट से वो कितना स्कैटर्ड है, ये बताता है। अगर हम एक स्प्रेडशीट में इसको यूज करें तो हम बहुत इजिली इसको कर पाएंगे और ढूंढ पाएंगे। लाइक देयर आर मेनी फॉर्मुलास वी कैन यूज इन एक्सेल और इन स्प्रेडशीट्स, बट इसको हम एक मैनुअली थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। दैट इज बेसिकली अ स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर 2, यानी कि इसका स्क्वायर रूट, और एन माइनस 1। इसमें सिग्मा का मतलब ये है कि जो भी हमारी इसमें वैल्यूज होंगी उनसे ये कैसे सब वैल्यूज को लेगा, जितने भी हमारे डेटा पॉइंट होंगे उसमें से हमारे मीन में से ये माइनस करता जाएगा जो भी हमारा मीन निकलेगा। एन यानी कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट में से 1 माइनस करके फिर उसका स्क्वायर रूट एंड देन अगेन इसका स्क्वायर एंड देन इसका स्क्वायर रूट। तो अब हम इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे कि हमने एक छोटा सा ही एग्जांपल लिया है जिससे कि हम इसको एग्जांपल को इजीली समझ पाएं। ये हमारे डेटा सेट है 2 8 10 12। तो ये हमारे डेटा सेट है, इसका मतलब अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो एन हमारे इसमें कितना है आपके 4। एक्स यानी कि मीन, तो अगर हम डेटा का मीन निकालेंगे तो कितना निकलेगा 8 20, एन इज 32 बाय 4 इज इक्वल टू 8, 4 8 32। तो ये हमारा मीन निकल गया, ये हमारे क्या निकल गए, डेटा पॉइंट निकल गया। अब इसको अगर हम फॉर्मूले में यूज करते हैं तो सिग्मा यानी कि हम हर वैल्यू से माइनस करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। जो हमारी वैल्यूज होंगी क्या होंगी, सबसे पहली वैल्यू होगी 2, तो 2 माइनस 8। तो इसमें से हमने क्या करा है, सिग्मा का मतलब जो एक्स की पावर है या एक्स है, इसमें से हम सब माइनस करेंगे। तो 2 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 6 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 36, माइनस माइनस प्लस 36, 0 इज 0, 2 का स्क्वायर 4, तो 36 प्लस 4 इज हियर 40, एंड हियर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 4 जो 16, तो हियर इज 16 प्लस 36 प्लस 40 प्लस ये आपका हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा टोटल अपॉन 3। तो 56 अपॉन 3 हमारा क्या आएगा आपका, ये निकला है आपका इसमें से 18.7, ये वेरिएंस निकला है, क्योंकि अब हमने इसका क्या लेना है, आपका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो ये कितना जाएगा आपका 4.32।
तो इस तरीके से हम इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन को निकाल पाते हैं, और अगर हम इसको स्प्रेडशीट से निकालें तो एक बहुत इजीली एक फॉर्मूले से भी निकाल पाएंगे।